क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहली बार स्पेस वॉक किसने किया था? या फिर क्या आप ये जानते हो कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रुकने का रिकॉर्ड किस आदमी के नाम है? या फिर ये जानते हो कि अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन होता है उसकी गति कितनी होती है? अगर इन सवालों के जवाब आपको नहीं पता हैं तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस स्टेशन के बारे में और जानेंगे इससे जुड़ी हुई सभी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों, स्पेस स्टेशन को ऑर्बिटल स्टेशन भी कहते हैं। इसको इंसानों को रहने के लिए सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, यानी यह अंतरिक्ष में मानव निर्मित ऐसा स्टेशन है जिससे पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यान जाकर मिल सकता है। दोस्तों, आप और हम जब किसी दूसरे शहर या दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ रुकने के लिए, जैसे हम होटल में रहते हैं, तो आप ये समझ लो कि अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो स्पेस स्टेशन उसके लिए होटल का काम करता है। इसके अलावा इसमें इतनी क्षमता भी होती है कि इस पर अंतरिक्ष यान भी उतारा जाता है, यानी इसमें पार्किंग का स्पेस भी अवेलेबल है। दोस्तों, स्पेस स्टेशन को पृथ्वी की लो ऑर्बिट कक्षा में स्थापित किया जाता है। स्पेस स्टेशन एक प्रकार का मंच है जहां से पृथ्वी का सर्वेक्षण किया जा सकता है, आकाश के रहस्यों को मालूम किया जा सकता है। दोस्तों, दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन 19 अप्रैल 1971 को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम सैल्यूट 1 था। 1971 से लेकर अब तक पृथ्वी की लो ऑर्बिट कक्षा में कुल 11 स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया जा चुका है, जो इस प्रकार है: सैल्यूट 1, स्काईलैब, सैल्यूट 3, सैल्यूट 4, सैल्यूट 5, सैल्यूट 6, सैल्यूट 7, मिर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तिंगोंग 1 और तिंगोंग 2। इनमें से अभी केवल 2 स्पेस स्टेशन पृथ्वी कक्षा में है। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दूसरा तिंगोंग 2। अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन इसलिए बनाया गया ताकि वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में काम कर सके। तो अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। दोस्तों, इस स्पेस स्टेशन को अमेरिका, रूस, यूरोप, कैनेडा और जापान की स्पेस एजेंसियों ने शुरू किया था। यह स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में उड़ता हुआ उपग्रह, नई तकनीक, खगोलीय, पर्यावरण और भूगर्भीय शोध के लिए एक प्रयोगशाला है। दोस्तों, अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्टेशन है जहां से अंतरिक्ष के बारे में गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। इस स्टेशन को अंतरिक्ष में छोटे छोटे टुकड़ों में ले जाकर इसको ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। 2 नवंबर 2000 से लगातार अंतरिक्ष यात्री इस स्टेशन में कार्य कर रहे हैं। इसमें कई सोलर पैनल लगे हुए हैं और इसका वजन लगभग 3,91,000 किलोग्राम है। इस स्पेस स्टेशन में 6 अंतरिक्ष यात्रियों के 6 महीने तक रुकने की सुविधा है। दोस्तों, यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर उड़ता है। यह 90 मिनट में लगभग 28,160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्या आप जानते हैं कि एक दिन में यह इतनी दूरी तय कर लेता है जितनी दूरी पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने और वापिस आने में लगती है? दोस्तों, अगर इस स्पेस स्टेशन की स्थिति का ज्ञान हो तो इसको पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। यह एक चमकीले चमकते हुए प्रकाश की तरह दिखाई देता है। अब तक 18 देशों के 230 व्यक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का दौरा किया है। भारत की कल्पना चावला और उनकी साथी सुनीता विलियम्स भी इस पर खोज कार्य कर चुकी हैं। पेगी विटसन ने 2 सितंबर 2017 को 665 दिनों में अंतरिक्ष में रहने और काम करने में सबसे अधिक समय व्यतीत करने का रिकॉर्ड निर्धारित किया है। पूरे स्टेशन में सिर्फ 2 बाथरूम हैं। अंतरिक्ष यात्रियों
और प्रयोगशाला के जानवरों का यूरिन फिल्टर होकर फिर से स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में चला जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को कभी पानी की कमी ना झेलनी पड़े। इस स्टेशन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलीज की प्रक्रिया के जरिए आती है। यह स्पेस स्टेशन रात के समय में आकाश में चंद्रमा और शुक्र के बाद तीसरी सबसे चमकदार चीज है। दोस्तों, जब कोई अंतरिक्ष यात्री किसी भी समय यान से निकलकर अंतरिक्ष में कदम रखता है तो उसे स्पेसवॉक कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 18 मार्च 1965 को पहली बार स्पेसवॉक रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी लियोनेव ने की थी। अब लगे हाथों तिंगाओ 1 स्पेस स्टेशन के बारे में भी दो बातें जान लेते हैं। दोस्तों, ये स्पेस स्टेशन चीन का प्रोटोटाइप स्पेस स्टेशन है, जिसको हेवनली पैलेस भी बुलाया जाता था। पृथ्वी के वायुमंडल में अप्रैल 2018 को दक्षिणी प्रशांत महासागर में गिर गया था। आपको बता दें कि इस स्पेस स्टेशन को चीन ने साल 2011 में लॉन्च किया था। दोस्तों, चीन की स्पेस एजेंसी के अनुसार तिंगोंग वन का मार्च 2016 से संपर्क टूट चुका था, जिसके बाद से यह अंतरिक्ष में घूम रहा था। तिंगोंग वन लगभग 34 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा और इसका वजन तकरीबन 9 टन से अधिक था। तो दोस्तों, ये थी स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ बातें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहे हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।